पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने NRC नेशनल सिटीजनशिप ऑफ रजिस्टर और CAA नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपनी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि देश भर में NRC लागू करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद से ही मौजूदा सरकार की तरफ से यह संकेत देखे जा सकते हैं कि वह लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के कारण पीछे हट गई है और सरकार के मन में अब डर आया है। देश भर में लोगों द्वारा NRC को लेकर चल रहे विरोध को देखते हुए सरकार सहमी हुई नजर आ रही है। दरअसल हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही BJP मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया जिसमें यह बात साफ हो जाती है कि पूरे देश में NRC नहीं लागू होने वाला है। दैनिक सवेरा पर छपी खबर के अनुसार रविशंकर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि NRC की अभी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है, जब इसकी रूपरेखा बनेगी तो इस पर चर्चा भी होगी। उन्होंने कहा, अभी केवल असम में NRC लागू है। केंद्र मंत्री ने कहा कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सके उसे श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि असम में NRC लागू करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में इसे लागू करने की घोषणा की थी। वहीं उनके इस बयान के बाद देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में NRC लागू होने के बाद नागरिकों से कौन कौन से कागज लिए जाएंगे, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि NRC को लागू करने से पहले इससे जुड़ी हर जानकारी नागरिकों को दी जाएगी। वहीं देश में विरोध को देखते हुए BJP सरकार में भय दिख रहा है, जिसके कारण पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी और आज BJP मंत्री रविशंकर प्रसाद ने NRC को पूरे देश में लागू करने के मुद्दे को ठंडे बस्ते में रख दिया है। देखा जाए तो लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कहीं न कहीं BJP सरकार अब एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर लेने वाली है। मालूम हो कि दोनों राज्यों में BJP की हार को देखकर मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले कई बार सोचेगी, जिससे कि देश भर में लोगों को सरकार के फैसले से परेशानी न झेलनी पड़ जाए। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।